गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, कराची को सरसब्ज बनाना हमारा फ़र्ज है। आने वाली नस्लों को बुलबुल, मैना और तितलियों का तोहफा वापस करना है। मावनी खुसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा कि वज़ीर आज़म का 10 बिलियन सुनामी का विजन सूबों के लिए तोहफा है। सिंध में 3 हिस्सों में काम कर रहे हैं। मैंग्रोव पर 70% काम किया जा रहा है। अर्बन जंगलात के लिए कराची, हैदराबाद और सखर हदफ हैं। वन में जो परिंदे और परिंदों की आवाज़ें और सुनी है हमने, वो शायद हमारी इस जनरेशन ने तो सुनी नहीं। वो बुलबुल, वो मैना, वो तितलियाँ, वो उन्होंने देखी नहीं। तो वो हमें वो तोहफा वापस करना है अपनी आने वाली नस्लों को। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस कंक्रीट जंगल को वापस ग्रीन करें। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के ऊपर जो मियावाकी फॉरेस्ट है, ये हमने गवर्नर हाउस में इसका आज इफ्तिताह किया है। ये 10 गुना तेज नॉर्मल फॉरेस्ट से ग्रो करता है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है 10 बिलियन ट्री सुनामी का, ये तमाम प्रोविंसेस के लिए एक तोहफा है। सिंध में उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। 70% तकरीबन हम मैंग्रोव पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1 लाख एकड़ मैंग्रोव हम मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं इस 10 बिलियन ट्री सुनामी में। सेकेंडली रिवराइन फॉरेस्ट है और वो फॉरेस्ट बनने का बड़ा पोटेंशियल है उसमें, तो वहाँ पर भी 50,000 एकड़ किए हैं जिसमें से 13,000 एकड़ पे प्लांटेशन हो चुकी है। तीसरा एस्पेक्ट है वो अर्बन फॉरेस्ट्री। हमने 3 शहर को टारगेट किया है, कराची, हैदराबाद और instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلا من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen hat anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen